अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बहुत ही होनहार स्टूडेंट अबैदुर रहमान के साथ हैं, जिन्होंने बोर्ड में 1037 नंबर लिए हैं। तो आज हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह से कौन कौन से वो अफेक्ट हैं जो इसकी लाइफ पे असर अंदाज हो गए, और इस बच्चे ने जो है वो 1037 नंबर लिए। सर बताइएगा प्लीज़ कि किस तरह से इस बच्चे ने 1037 मार्क्स लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। अबैद जी मेरा बेटा भतीजा मेरे भाई शहीद किसाने का बेटा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसाना फैमिली के लिए एक फ़ख्र है। भाई की डेथ हो गई तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई शहीद किसाना जो हैं उनका एक ख्वाब था कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, पढ़ लिख जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक बहन जो है वो डॉक्टर बनने जा रही है, उसके मार्क्स हैं इस काबिल के वो डॉक्टर बनेंगी इंशाल्लाह ताला। और ये मेरा बेटा मैट्रिक में इसने जो है वो 1037 नंबर लेकर हमारा सर फख्र से बुलंद किया, और अपने बाप की आंखों में जो सपना था उसको पूरा करने का अजम ठाना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो है वो मुख्तलिफ वीलॉग्स में बताया है कि किस तरह आप अपने बच्चों को ज़िंदगी की एक लाइन पे लेकर जा सकते हैं। उसके लिए हमें मिला अरफा करीम फाउंडेशन का सहारा, कर्नल अमजद करीम, समीना अमजद, इन लोगों ने हमें गाइडलाइन दी कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है, वो कौन सी खूबियां हैं जो बच्चों के अंदर उजागर करनी होती है। हर रोज़ ये कहने की जरूरत नहीं, पढ़ लो, बस एक अज़म होता है। जिस तरह अरफा करीम ने एक अज़म ठाना था तो वो दुनिया में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। हमने भी अपने बच्चों को वैसे ही डायरेक्शन दी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे उसी लाइन पे जाके जो मैंने पहले बताया था कि CSS कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, और IT में जा रहे हैं। इसके लिए आज अबैदुर रहमान का हम एक किताब अरफा करीम की गिफ्ट कर रहे हैं, ताकि इसके जो बाकी साथी हैं वो भी जो है वो इसको स्टडी करें, ये भी स्टडी करेगा, तो वो भी वही अज़म लेकर निकलेंगे जो हमारे हीरो लेकर निकलते हैं। तो आप सब दोस्तों से, आप सब भाइयों से भी अपील है कि अपनी अपनी जगह ऐसे काम करें। बच्चों को हमने अवैध जो है वो हमारा कबीर स्कूल, किसाना एसोसिएट और अरफा करीम फाउंडेशन के जो तकरीरी मुकाबला की सीरियल है उसमें ये दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, और इनके लिए इस बात की अवैध की याद है कि अरफा करीम तकरीरी मुकाबले में ही ये कोई इनाम ना ले सके नुसरत फतेह ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पर ये रंजीदा हो गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने वहाँ पर इनको बताया कि बेटा जीत जाना ही सब कुछ नहीं होता, मुकाबले में आना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अरफा करीम फाउंडेशन, कर्नल अमजद करीम दावा और अपनी टीम के साथ इस मिशन में अपनी कारकर्दगी जारी रखे हुए है कि वो तकरीरी मुकाबले करवाती है, स्टूडेंट की जो है वो काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, टीचर्स को लेक्चर दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज खुशी है कि हमारे मुकाबलों में हिस्से लेने वाले जो नौजवान हैं उन्होंने आज बोर्ड में एक नुमायां पोजीशन ली, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे भी अपनी अपनी जगह पे मेहनत करके एक अच्छा मुकाम बनाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।